नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आग के बारे में। आग है क्या चीज, व्हाट इज फायर, ये कैसे पैदा होती है, कैसे विराट रूप ले लेती है, कैसे ज्वलनशील बन जाती है, कैसे ये अपना रूप लेती है। तो आग को जलने के लिए बेसिकली हम पहले इंग्लिश में समझते हैं, फिर हिंदी में समझाऊंगा आपको मैं। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड अमाउंट हीट ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस। क्लियर? अब आ जाइए इंग्लिश समझाते हैं आपको। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा उच्च तापमान एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो आग उत्पन्न हो जाती है। जब ये तीन चीजें ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा, ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो क्या होता है, आग पैदा होती है। इनमें से अगर तीनों में से कोई भी चीज नहीं होगी तो कभी भी आग नहीं लगती है। ईंधन, ईंधन का मतलब क्या है, जो जलने वाली वस्तुएं, जलने वाली चीजें, जैसे गैसेस है, ऑयल है, लकड़ी, गत्ता, कागज, कोयला, प्लास्टिक, इस चीज में सब ईंधन में आता है। अब ऑक्सीजन का काम क्या है और ऊष्मा का काम क्या है, अपना ताप का, जो ईंधन है उसको वो जलाएगी, पैदा कर देगी, जो ईंधन है वो आग पकड़ ले, ऐसे गैस बना दे कि जो है कि ईंधन जो आग पकड़ ले, और ऑक्सीजन का काम क्या है, उसको कंटिन्यू जलाए रखना। क्लियर? यहां तक तो समझ गया। अब आपको मैं इसमें त्रिभुजाज में, या इसको त्रिभुज भी बोलते हैं, तो त्रिभुज में कैसे हम लोग इसको समझते हैं, आइए आपको मैं बताता हूं। ईंधन, क्लियर? ताप, ऑक्सीजन, ईंधन, ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनती है, आग, आग पैदा होती है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो कभी भी आग नहीं लगेगी। अगर इसमें से अगर ईंधन नहीं है तो कभी भी आग नहीं लगेगी। अगर मान लो ईंधन भी है, ऑक्सीजन भी है, पर ताप नहीं है तो कभी भी आग नहीं लगेगी। ताप भी है, ईंधन भी है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कभी भी आग नहीं लगेगी। तो तीनों का मिल होना जरूरी है तभी आग पैदा होगी। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलेंगे हम क्लासिफिकेशन फायर। आपको आग होती है पर आग के प्रकार भी होते हैं। क्लियर? तो अगला नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम आपसे क्लासिफिकेशन फायर या आग कितने प्रकार की होती है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।